इस खबर के प्रायोजक हैं स्वर्गीय डॉक्टर चौहान अस्पताल, पिछले 40 वर्षों से टीबी एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ। अगर आप इन बीमारियों से हैं परेशान तो आप भी कर सकते हैं संपर्क शांतनव सिंह चौहान से, जिनका पता है बस स्टैंड के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। शहर में हाट बाजार के लिए नगर पालिका के द्वारा अलग अलग जगह स्थान चयनित किए गए हैं। हाट बाजार अगर हाईवे पर लगता है तो इससे आवागमन भी बाधित होता है और शहर में जो भारी वाहन निकलते हैं, क्योंकि अभी अपने शहर में रिंग रोड का निर्माण नहीं हुआ है तो शहर से ही वाहन अधिकतर वाहन निकलते हैं, तो उससे आवागमन भी बाधित होता है और दुर्घटनाएँ होने की काफ़ी संभावना रहती है। इसीलिए बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए और इसके लिए शासन को अलग जगह हाट बाजार लगवानी चाहिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसको कहीं एक निश्चित स्थान होना चाहिए इसका, जिससे ट्रैफिक में भी समस्या होती है और आए दिन एक्सीडेंट गाड़ियां मिटती हैं। इसलिए प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए और इसको कहीं निश्चित स्थान पर लगवाना चाहिए। रोडों पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ट्रैफिक जाम लगता है और छतरपुर की रोडें भी ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं तो उससे दिक्कत बहुत होती है। और कई बाज़ार तो ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे पे ही लगते हैं, जैसे शुक्रवार का बाज़ार हो गया और ये अभी संडे का इतवार हो गया, महोबा रोड का हो गया, तो इस चीज़ पे प्रशासन को ध्यान दे रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर बाजार लगाया जा रहा है मेन रोड पर, इससे अगर वाहन चालक की बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना आदि किसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनके लिए या तो शासन कहीं व्यस्त जगह ढूंढनी चाहिए, कोई अच्छा स्थान जहाँ पर अपना बाजार लगा सके, अपना कारोबार कर सके, जिनके चलते पशु की भी होते हैं, पशु रोड पर सड़क पर आ रहे हैं, उनको घटनाएँ होती हैं, उनके साथ कई वाहन चालक खत्म हो गए हैं, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। मैं छतरपुर के अंदर ये देख रहा हूँ कि यहाँ रोडों के किनारे किनारे दुकानें लगा देते हैं लोग बाग, ठीक है, वाहन को आने जाने में दिक्कत होती है, ठीक है, जाम लगता है और साफ सफाई भी नहीं रह पाती, ठीक है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो काफ़ी असुविधाएँ हो रही हैं अपने छतरपुर शहर में। तो मैं शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इस पर कार्यवाही करे, ठीक है, और अपने शहर को स्वच्छ बनाए और साफ करे, साफ बनाए। सर ये कहेंगे कि यहाँ काफ़ी जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है और नेशनल हाईवे है, इस पर शासन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है और सब्जी मार्केट वाले रोड ही पे बैठ के सब दुकान लगाते हैं और इससे बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो किसी की बात नहीं मानते हैं, रोड पर ही बैठ के दुकान लगाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएँ घटती हैं हमारे शहर में, और अगर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आगे घटती भी रहेंगी। यह हमारी यही प्रतिक्रिया है कि शहर में बहुत ज़्यादा यातायात का प्रबंधन पूरा हर तरीके से बाधित होता है, साथ ही जो आवारा पशु घूमा करते हैं वो भी काफ़ी हानि उनको पहुंचती है और उनके द्वारा अन्य नागरिकों को भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके हिसाब से सरकार को और जो भी मतलब जो भी उनको कार्य देखने वाले हैं उनको उसके लिए निर्धारित जगह का आवंटन करना चाहिए और निर्धारित जगह पे निर्धारित समय बाजार लगना चाहिए। अरे हम तो जो कहेंगे कि सरकार ने कहूँ जैसे जगह दी पे और धीरा रोड पे लगा, जैसे उनकिला ने खूब जगह बनाई जाए और जो है उनकिला में ना दें सभी बाजार पे रोड पे ना लगे। नहीं उचित तो नहीं है, लेकिन अब इसकी व्यवस्था अपनी नगर पालिका छतरपुर जो है इसको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई निश्चित स्थान पर उन सभी को ले जाएं और वहाँ पे वो हाट बाजार लगाएं। अब रोड के किनारे लगाएंगे, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत है, इसमें सरकार को और नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं मेन रोड पे नहीं लगना चाहिए, मेन रोड से अलग कहीं पे जगह इनको दे दी जाए जिसमें कोई हादसा ना हो, कोई वाहन आ रहा है इमरजेंसी में है तो उसको खड़ा होना पड़े वहाँ पे, तो इस चीज़ की दिक्कत पड़ती है, इसलिए इनकी लोगों को अलग जगह दी जाए कि मेन रोड पे बाजार ना लगे। ये गलत है और इससे ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को समस्या बहुत होती है, दुकानदारों को समस्या होती है, बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इनको नगर पालिका को व्यवस्थित करना चाहिए।
इसको लेकर हम ये कह रहे हैं शहर में जैसे रोड पर जो ये बाजार लगते हैं तो उसमें ट्रैफिक होता है, एक्सीडेंट होते हैं, तो शासन प्रशासन से मेरा अनोखा निवेदन है कि अगर उनके कानों तक ये बात पहुंचती है तो हाट बाजार के लिए निर्धारित जगह का चयन करें, उनको अलग जगह व्यवस्था दी जाए और उनको रोड से अलग बैठाया जाए, ना उसमें एक्सीडेंट होंगे ना कुछ तकलीफ होगी, आने जाने में पब्लिक को परेशानी नहीं होगी।